बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ softwares.com में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं अपने वाईफाई को कनेक्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे वाईफाई का नाम अम्माद खास कैली है और मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ शाहपुर चक्र मेरे वाईफाई का पासवर्ड है। ये पासवर्ड मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिकली चीज़ें आपको समझाता रहता हूँ। आपको मेरी वीडियोस जो भी पसंद आती हैं, फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, कि आपको जो है अपने वाईफाई की आईपी जो है पता होनी चाहिए, जब ही आप जो है अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं राउटर के थ्रू। अगर आपको अपने अपने राउटर की आईपी जो है नहीं आपको पता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, क्योंकि आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है जो कि आपको चाहे जिस भी कंपनी का आपका राउटर हो, चाहे जाए जो भी आपके राउटर की आईपी हो, तो आपको वो एप्लीकेशन डायरेक्ट अपने जो है राउटर के पेज पे पहुंचा देगी। उसके लिए आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर मैंने ओपन कर दी है फ्रेंड्स। प्ले स्टोर के सर्च में आपने लिखना है फ्रेंड्स राउटर पर सेटअप पेज। राउटर सेटअप पेज, ये वाली एप्लीकेशन आपने जो है इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ओपन आ जाएगा। ओपन करनी है फ्रेंड्स आपने ये एप्लीकेशन, मैंने ओपन कर दी है। इसका ये इंटरफेस है आपके पास। प्रेस टू अपडेट आईपी जो है यहाँ पे, ये मेरे पास जो है टीपी लिंक का राउटर है, उसकी ये आईपी है 192.168.0.1। ये आईपी है उसके टीपी लिंक की। आपका जो भी राउटर होगा, जिस भी कंपनी का होगा, तो उसकी आईपी जो है ये एप्लीकेशन डायरेक्ट जो है शो कर देगी। आपने सिर्फ ये करना है, आपने ओपन राउटर पेज करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद डायरेक्टली ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आईपी आ गई, यहाँ पे आईपी आ गई। और ये जो है मेरे राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है मांग रहा है। हमारे पास 99% जो है हमारे पास राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे एडमिन अगर पासवर्ड नहीं भी है आपके पास आपके राउटर का, तो वो उसके लिए मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अगर किसी ने चेंज कर दिया है एडमिन पासवर्ड और यूज़र नेम से, किसी ने चेंज किया है, चेंज भी कर सकते हैं अगर किसी ने किया है, तो वो पासवर्ड हम किस तरह देख सकते हैं, उसके लिए मैं ट्यूटोरियल जो है बनाऊँगा। राउटर का जो है नाम देखने का, उसको आप देख लीजिएगा। अगर मेरे पास टीपी लिंक का राउटर है तो उसका ये इंटरफेस है फ्रेंड्स राउटर का। यहाँ पे इसको जूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं मेरे पास। इन्होंने जो है राउटर की सेटिंग्स के और डिफरेंट टाइप्स के जो है उन्होंने दिए हुए हैं। आपके पास टेंडा हो सकता है या किसी और कंपनी का राउटर हो सकता है। तकरीबन ऑप्शन जो हैं तकरीबन सेम होते हैं सब राउटर्स में। अगर आपके पास टीपी लिंक है तो आपने सेटअप यहाँ पे आना है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा जूम करके आपने क्लिक करना है यहाँ पे क्विक सेटअप। अगर टेंडा है या कोई और है तो उसमें क्विक सेटअप के नाम से भी हो सकता है, बेसिक नाम सेटअप से भी हो सकता है कुछ। अब आपने जो है क्विक सेटअप में आके आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपके पास जो है ये पूछेगा कि अम्माद खास के लिए, यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। मेरे वाईफाई का नाम जो है अम्माद खास के लिए है, चाहे मैं चेंज करूँ या ना करूँ मेरी मर्ज़ी है। और ये देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, ये देखें शाहपुर चक्र, ये मेरे देखिए वाईफाई का पासवर्ड है शाहपुर चक्र, ठीक है। अगर मैं पासवर्ड नहीं रखना चाहता, मैं ऐसे ही कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, सही है। जहाँ पे आपने फिर करना है डिसेबल सिक्योरिटी। अगर रखना चाहता हूँ तो आपने करना है WPA, सही है। यहाँ पे रख के आप जो है यहाँ पे शाहपुर चक्र को आप चेंज कर सकते हैं। मैं रख रहा हूँ अपने राउटर का पासवर्ड नया कराची 021, ठीक है। ये कैपिटल नहीं रखना चाह रहा, मैं स्मॉल रखना चाह रहा हूँ कि ठीक है कराची 021। इसको करके आपने सिंपल जो है ये देखें, दोबारा मैं आपको बता दूँ, क्विक सेटअप में आया, फिर मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ये पेज आया आपके पास, फिर आपने जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे, अब देखें फिनिश कर देना है, ठीक है। फिनिश कर दी, अब मेरा जो है डिसकनेक्टेड हो गया, ये देखें आप
ऊपर देखें कोई भी वाईफाई मेरे पास नहीं है अहमद खास के लिए, लेकिन ये नहीं होगा कनेक्ट। अब मैं उसी अपने वाईफाई में वो जो पासवर्ड मैंने अभी रखा है, अब मैं वो जो है अब आपको दिखाता हूँ, कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें अहमद, मोर सेटिंग्स में आके फॉरगेट करना पड़ेगा पासवर्ड जो चेंज किया आपने। ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आ गई, मैंने चेंज किए पासवर्ड, फॉरगेट किया मैंने इसको। अब मैं इसमें जो है कराची 021 लिखूँगा, कराची 021। अब देखिएगा कनेक्ट हो जाएगा, ये देखें अहमद खास के लिए कनेक्टेड हो गया, ये मेरा पासवर्ड जो है चेंज हो गया। फ्रेंड्स, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ रोज़ बरोज़। आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें हमें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा।